मैडम, ये लीजिए आपका सिलेंडर। पेमेंट आप कैश देंगे या ऑनलाइन? जैसे आप ले लो, मतलब वो क्या है ना, मैं पेमेंट कुछ अलग तरीके से देती हूँ, तो आपको भी वैसे ही दूंगी। अलग तरीके से? मैडम, कार्ड वाला सिस्टम अपने पास नहीं है। दो ही ऑप्शन है, या तो कैश या तो फिर ऑनलाइन वगैरह। अरे चिंता मत करो, पेमेंट ना मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से दूंगी। एक काम करो, मेरा ना एक नया तरीका है, थोड़ा अंदर आ जाओ ना। सिलेंडर अंदर रखना है? वहां रख दो, पेमेंट दे देती हूँ ना मैं। तो दिया। अरे मैडम, ये क्या कर रहे हो आप? अरे वो ना, मेरा पैर स्लिप हो गया था और मैं ना आपको आपके सिलेंडर के पैसे दे रही थी, सिलेंडर के पैसे? पर पैसे कहाँ हैं? है ना? सिलेंडर के पैसे मेरे पास रखे हैं, अब बैठो तो सही। मैडम देखिए, जल्दी से मुझे पेमेंट कीजिए। मुझे और भी कलर में मतलब और भी घरों में डिलीवरी करना है। हाँ, डिलीवरी कर देना। वो क्या है ना, एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास इस टाइम कैश नहीं है, तो मैं सोच रही थी कुछ और करके अगर आपके पैसे पूरे हो जाते तो। कुछ और मतलब आप कहना क्या चाहते हो मैडम? मैं कुछ समझा नहीं। अरे छोटे बच्चे तो लग नहीं रहे जो समझ नहीं आ रहा, मतलब पेमेंट किसी और तरीके से मिल जाए तो। हाँ मैडम, ठीक है। वैसे आपकी पेमेंट देख के ना मेरा कैशियर खड़ा हो गया है। अब मेरा मतलब है कि हाँ ठीक है, आप जैसे चाहोगे वैसा हो जाएगा। मतलब ये वाली पेमेंट दे दूँ तो फिर हर बार सिलेंडर मेरा मतलब वैसे ही आ जाएगा ना? मैडम देखो, हर बार का तो नहीं पता, इस बार मैं कुछ गुंजाइश कर सकता हूँ। अच्छा, तो फिर ऐसा कुछ मिल जाए कि मज़ा ही आ जाए, फिर तो आ जाएगा ना? मैडम वो तो बात की बात है, पहले आप दिखाइए तो आप देने के चाहते हो मुझे। दिखाने जैसा क्या है, जब लोगे जभी तो पता चलेगा ना। चलो तो फिर, देरी किस बात की है? बहुत उतावले हो लगता है। अरे मैडम, आपको देखकर तो हर कोई उतावला हो जाएगा। क्या बात है। हाँ मैडम, मज़ा आ गया वैसे। अब चलिए ठीक है, अब कुछ तो पैसे दे दीजिए उस सिलेंडर में से। हाँ पैसे दे दूँ? तेरा दिमाग खराब है क्या? पैसे के बदले तो ये सब किया, और ये सब करने के बाद तू बोल रहा है पैसे दे दो। कौन से पैसे? अरे अरे मैडम, ये मिलता कितने में? 100-200 रुपये में। मार्केट में बहुत पड़ी हुई हैं ऐसी जो 200-200 रुपये में दे देती हैं, बट अब कुछ पैसे दीजिए ना। वो क्या ना कि मुझे कंपनी में जमा कराने पड़ते। तुझे क्या कहीं की उठाईगिरी लग रही हूँ क्या मैं? एक तो फ्री फंड में जन्नत की सैर करा दी, ऊपर से पैसे पैसे कर रहा है। मैम साहब, बहुत हो गया आपका, ठीक है ना? और वैसे भी ना ये सब ना फ्री का नहीं आता, मुझे कंपनी में पैसे जमा कराने होता है। और हाँ, मुझे ना अपना घर भी चलाना होता है भाई, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, उनका भी पेट पालना है। अच्छा, मतलब तू यहाँ से पैसे लेके ही जाएगा लगता है। हाँ ठीक है, तुझे पता है जब तू अंदर आया ना, मेरे यहाँ ना सारे में कैमरे लगे हैं और सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। रिकॉर्ड हो चुका है मतलब? अब तुझे पता है मैं ये सब ना तेरे ऑफिस में, तेरी बीवी को, तेरे मोहल्ले में, जहाँ जहाँ तेरी इमेज बन रखी है ना, वहाँ वहाँ वायरल करूँगी जाके इस क्लिप को। उसके बाद तू सोच तेरा क्या होगा। नहीं, मैडम देखो, ऐसा मत कीजिएगा, ये गलत बात है वैसे आपकी। अच्छा, गलत है? मुझे तो पता ही नहीं था, वरना मैं करती क्यों? चलो ठीक है, समझ गया आप ये सब क्यों कर रहे हो। नहीं चाहिए पैसे, रख लो आप ही, लेकिन अगली बार से पैसे लेके जाऊंगा, ठीक है? 1 मिनट, क्या बोला तूने? अगली बार से पैसे लेके जाऊंगा। ये जो क्लिप है ना, ये डिलीट नहीं होगी, मेरे पास ही रहेगी। तो इसके बाद के जितने भी सिलेंडर आएंगे ना, सारे मेरे घर में फ्री में आएंगे। अरे ये क्या जुल्म कर रही हो भाई, ये तो बहुत गलत बात है ये। मैम ये तो आप गरीब को लूट रही हो। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं गरीब को लूट रही हूँ। अच्छा हुआ तूने बता दिया। एक काम कर, अब ना यहाँ से जल्दी से निकलता बन। और हाँ, याद रहे, जितनी बार भी फोन करूँगी ना, सिलेंडर सारे फ्री में, वरना ये क्लिप कर दूंगी वायरल। और वैसे भी जो तूने गलती करी है ना, ये बहुत बड़ी है, इसके बदले मैं एक छोटा सा सिलेंडर ही तो दे रही हूँ। फंस गया। ठीक है,
ला दूंगा सिलेंडर। गेट बंद करता हुआ जाइयो। अच्छा हुआ मेरा तो काम हो गया, हर महीने के सिलेंडर अब फ्री में आएंगे।